हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ पनीर बॉल्स या पनीर पकोड़ा, जो भी बोले, इसकी रेसिपी शेयर करूंगी। ये बहुत टेस्टी बनता है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। और अगर आप नए हैं मेरी चैनल पे, तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। ये पनीर बॉल्स बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनते हैं, इसे आप मेरे तरीके से बना के ज़रूर ट्राई करके देखें। यहाँ पे मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है और यहाँ पे चावल का आटा लिया है, एक कैप्सिकम को बारीक कट कर लिया है, गाजर को एक ग्रेट कर लिया है, कटी हुई हरी धनिया लिया है और बारीक कटी हुई प्याज लिया है। पनीर को मैंने यहाँ पे मैश कर लिया है अच्छे से। आप चाहे तो इसे ग्रेटर की मदद से ग्रेट भी कर सकते हैं। ग्रेट किया हुआ पनीर में फिर मैंने इसमें सारे वेजिटेबल्स ऐड कर दिया है। ग्रेट किया हुआ गाजर, कटी हुई प्याज, कटी हुई हरी धनिया, ये सब डाल के आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें। सारे वेजिटेबल्स को मैंने मिक्स कर दिया है। फिर इसमें जो बारीक कट किया था कैप्सिकम, इसे भी इसमें ऐड कर देना है। फिर आप इसमें 3 चम्मच बेसन, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच नमक और 3 चम्मच राइस फ्लोर इसमें मिक्स कर दें। आप चाहे तो मैदे का भी यूज कर सकते हैं। और इसमें 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल के फिर आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर आप इसका बॉल बनाना शुरू करें। ये देखिए, ये देखिए, इस तरह से आप सारे बॉल बना ले। सारे बॉल्स को मैंने रेडी कर लिया है, अब इसे फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने एक पैन में ऑयल को गर्म होने के लिए गैस पे रख दिया है। ये जब गर्म हो जाए फिर हम लोग पनीर बॉल्स फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। सारे पनीर बॉल्स को मैंने ऑयल में डाल दिया है, फिर आप इसे फ्राई करें। मीडियम फ्लेम में इसे गोल्डन कलर करके फ्राई करना है। ये देखिए, ये बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है, गोल्डन कलर हो चुका है। फिर आप इसे पैन से निकाल लें। ये हमारा पनीर बॉल्स या पनीर पकोड़ा, जो भी बोले, बनके रेडी है। गर्मा गर्म आप इसे सर्व करें। मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।